लिखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मासेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस of all the particles from the axis of rotation, from the axis of rotation. कहने का मतलब अगर हमारे पास ये एक rigid body है, rigid body मतलब जिसकी कि कोई भी configuration हो सकती है, और ये आपके पास एक प्लेन लैमिना है इनफैक्ट, ठीक है, अगर हम ये कहें कि दिस इज द एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज रोटेटिंग, सो दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेट्स से दिस इज पार्टिकल एम वन एंड इज एट पोजिशन आर वन, दिस इज पार्टिकल एम टू एंड एट पोजिशन आर टू, और दिस इज सम पार्टिकल एम एन is at position r n from a fixed axis of rotation, then moment of inertia is given by m1 r1 square plus m2 r2 square up to mn rn square, ठीक है, and its SI unit is kg मीटर स्क्वायर. तो जो जनरल फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट इज समेशन आई इक्वल टू वन अप टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, या तो आप ऐसे लिखें या फिर इन द मोस्ट जनरल फॉर्म यू कैन से दैट एम इज द मास ऑफ द बॉडी एंड आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. It depends upon three factors. Pehla depends upon three factors. First, mass of the body. Axis of rotation. Yani ke बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है कहां पर, यानी आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया कहां पर है. और तीसरा होगा बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. जैसा कि हमने सेंटर ऑफ मास में देखा था कि मास, सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां होता है, टुवर्ड्स द हेवियर पार्ट ऑफ द बॉडी. So it also depends upon the distribution of mass, कि किस axis के about आप इसका rotation देख रहे हैं और mass को distribute किस तरह से किया गया है. तो इन सब चीजों के ऊपर ये सारी की सारी चीजें depend करती हैं, यानी total moment of inertia depend करता है. Clear है? Yes sir. Sir, axis पे कैसे depend करता है? अभी बताएंगे. हम डिफरेंट बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज निकालेंगे, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्सिस पे कैसे डिपेंड करेगा, ठीक है. ओके ठीक है. तो सबसे पहले, अच्छा इतना क्लियर है, बोर्ड रब कर दूं? यस. चलो देखो, अब जैसे कि क्वेश्चन है कि एक्सिस पर डिपेंड कैसे करता है, तो एक काम करते हैं, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना. सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक रॉड का, ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड. अच्छा मान लो कि ये मेरे पास एक रॉड है एंड दिस इज द एक्सिस अबाउट विच द रॉड इज रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है. अब ये रॉड है,
और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, एक जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका अपना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एंड दैट विल बी अबाउट द एक्सिस व्हिच इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ थ्रू इट्स सेंटर कटिंग इट इनटू टू इक्वल हाफ. तो अगर ये टू इक्वल हाफ में इसको डिवाइड कर रहा है तो लेट्स से के मास ऑफ द रॉड इज एम, लेंथ ऑफ द रॉड इज एल. तो मैंने क्या करा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर से एक छोटा सा लेंथ सैंपल रॉड का मैंने यहां कंसिडर कर लिया. मान लिया कि सेंटर से इसका डिस्टेंस है कुछ x और इसकी लेंथ है dx. तो ऑब्वियसली इस सैंपल का मास क्या होगा, dm होगा. और ऐसे ऐसे बहुत सारे सैंपल्स इस पूरी रॉड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. क्लियर? ठीक है. यस सर. यस सर. आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो जैसे आपके पास एक क्यूकम्बर है, ठीक है, जनरली सिलेंड्रिकल इन शेप. आप उस क्यूकम्बर के एन नंबर ऑफ सैंपल्स कर सकते हो ना, तो टोटल मास उसका कुछ होगा, लेकिन एक छोटे से सैंपल का मास कुछ हो सकता है और उसकी कुछ लेंथ हो सकती है. डिफरेंट मास होगा, डिफरेंट लेंथ होगी, होगी ना. yes, तो वैसे वाले आप एन नंबर ऑफ सैंपल्स ले सकते हो. तो मैंने यहाँ पर एक सैंपल यहाँ कंसिडर कर लिया, ठीक है. तो सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I is equal to इस पार्ट का, I is equal to according to definition इस पार्ट का मास कितना है dm into square of the distance from the axis of rotation. Now distance कितना है x का square. So this will be the moment of inertia of this small sample. ठीक है. और हमें क्या करना था, इन सभी का सम करना था, तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा. ठीक बात है बेटा. कर सकते हैं. किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें, बोलो. मैंने बोला कि अगर हम यहां पर एक छोटा सा सैंपल ले लें, उस सैंपल का मास हो dm और उस सैंपल की लेंथ हो dx, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से कितना होगा, dm into x square, जनरल फॉर्मूला m into r square. ओके सर. तो ऐसे ऐसे कितने सैंपल्स होंगे, n नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे. अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे फाइनल i मिल जाना चाहिए, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाना चाहिए. यस सर. तो ऐसा ही करेंगे. देखो इसका आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन. अब प्रॉब्लम ये है कि डीएम की वैल्यू कैसे निकालें. तो डीएम की वैल्यू आप निकालोगे यूनिटरी मेथड से. एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि आपके पास एक 1 मीटर रॉड है, ठीक है. 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर. तो अगर मैं आपसे कहूं दैट 1 मीटर रॉड इज ऑफ 10 kg, ठीक है, तो उसके 10 सेंटीमीटर का मास कितना होगा. One meter rod, 10 kg की है, ठीक है. तो 10 सेंटीमीटर क्या हुआ, 1 मीटर का 10th पार्ट हुआ ना. यस सर. यूनिटरी मेथड 1 मीटर is equal to 10 kg. 1 meter is 100 centimeter is equal to 10 kg. 1 centimeter is equals to 10 by 100. So 10 centimeters का कितना होगा, 10 से multiply कर देंगे तो 1 kg आ गया बेटा. Yes sir. तो same concept यहाँ apply करें. Mass मेरे पास कितना है m, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, यानी एम के जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एल मीटर्स.
है ना, तो 1 मीटर का मास कितना हुआ, m बाय एल के जी, यही हुआ। यस सर, हुआ ना। तो 1 मीटर का मास m बाय एल के जी, ठीक है। तो डी एक्स मीटर का मास कितना होगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, बेटा इसकी लेंथ कितनी है, डी एक्स लिखना हमने, हाँ सर। तो डी एक्स मीटर का मास, डी एक्स मीटर का मास इज एम बाई एल इंटू डी एक्स, यही होगा, और इसको हम क्या कह सकते हैं, डीएम। देयरफोर आई इज इक्वल टू एम बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज द रिलेशन होना चाहिए। बेटा ये वाला स्टेप समझ में आ गया? यस सर, यस सर, ठीक है। अब यहां से देखो, मास पर यूनिट लेंथ, एम बाय एल तो कांस्टेंट है क्योंकि रॉड इससे बड़ी तो है ही नहीं, वेरिएबल क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्स डी एक्स की हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हमने लिमिट नहीं ली कोई, तो लिमिट क्या लें, आपके पास ये सेंटर था तो सेंटर से ये टोटल लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, प्लस एल बाय टू, और यहां तक की लेंथ को हम क्या ले सकते हैं, माइनस एल बाय टू। ऑन अ नंबर लाइन सेंटर पर जीरो होता है तो इधर सभी कुछ पॉजिटिव और इधर सभी कुछ नेगेटिव होगा। यस सर, ठीक है। सो दिस कैन बी प्लस एल बाय टू एंड दिस विल बी माइनस ऑफ एल बाय टू, तो मैं इसको माइनस एल बाय टू से लेके प्लस एल बाय टू तक इंटीग्रेट कर दूं तो ये बच जाएगा m by l x cube by 3 minus l by 2 to plus l by 2, ठीक है। x square का इंटीग्रेशन x cube by 3 होता है बेटा। यस सर, यस सर। तो लिमिट हमने लगा दी माइनस l by 2 से लेके प्लस l by 2 तक, तो अब हम अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो I is equals to m by l, 3 बाहर निकाल दिया तो l cube by 8 minus of minus l cube by 8 लिख सकते हैं। अपर लिमिट क्या है, l by 2, आप x क्यूब की जगह लिखेंगे l by 2 का होल क्यूब, तो l by 2 का होल क्यूब हो जाएगा l क्यूब by 8 और माइनस l by 2 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस l क्यूब by 8, ठीक है। यस सर, ओके सर। तो दैट रिलेशन बना I equals to m by 3 l 2 टाइम्स ऑफ l क्यूब by 8, तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, l से ये कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर हो गया, तो I is equals to ml square 4 3s are 12, आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml square by 12। यस सर, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट था, दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज अबाउट फर्स्ट के अबाउट एन एक्सिस passing perpendicular to the length of the rod, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके सर। सर अगर रॉड खुद रोटेट कर रही होती, नहीं खुद तो रोटेट करेगी, बट देयर मस्ट बी सम एक्सिस अबाउट विच द रॉड, एक्सिस रॉड के थ्रू जाएगा, मतलब अगर हाँ ऐसे जाए ना फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, सब कुछ और होगा, आपको वो अलग केस है बेटा, ठीक है, ओके सर। तब वो रॉड नहीं कंसीडर करेंगे हम, उसको फिर सिलेंडर कंसीडर करेंगे, ठीक है, ठीक है सर।
वो केस अलग से करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच हो जाएगी। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर एक चेंज है, और चेंज ये कि वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू दी परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी आपने इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, लेकिन अब की बार मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना, इसका तो मेरे को पता लग गया। लेट से ये एक्सिस है एक्स एक्स डैश, अब मुझे निकालना है इस एक्सिस के अबाउट वाई वाई डैश, यानी अब रॉड कैसे रोटेट कर रही है। देखना ये एक्सिस है, जब ये वाला एक्सिस था तो रॉड ऐसे रोटेट कर रही, लेकिन अब एक्सिस ये है तो रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। ओके सर, अब अगर रॉड ऐसे रोटेट करे तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस, लाइक ये पैरेलल एक्सिस था वाई वाई डैश और ये आपका था एक्स एक्स डैश, तो कहता है I y y dash is equal to I x x dash plus mass of the body into h square. Now this h is perpendicular distance between two parallel axes. तो यहां देखो इस वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता था कितना था, ml square by 12, यही निकाला ना हमने, प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू ये डिस्टेंस कितना लिया था बेटा, l by 2, देखो l by 2 लिया था ना, yes sir, तो l by 2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4, सो योर आंसर इज ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो समीर ये वाली बात, तो ये वाली बात क्लियर हुई कि एक्सिस के अबाउट जब हम एक्सिस चेंज करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज हो रहा है। यस सर, तो ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मास पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस पर। संस्कृति क्लियर है सर? एक चीज पूछो, आप कहते हैं इतनी एनर्जी कैसे है सर? किस बात की? आप पूरा दिन बढ़ाते रहते हो या एक दिन असाइनमेंट करने में तो जान निकल गई है मेरी। भाई जब तू मेरी एज में आएगा ना तब समझ जाएगा। कैसे सर, राज बताओ, अपने कौन सा च्यवनप्राश खाते हो? मैं कोई च्यवनप्राश नहीं खाता भाई, मजबूरी सब काम करवाती है इंसान से। सर आप मेरी आंखें देखो लाल हो रही है। नहीं दिख नहीं रही, ब्लैक एंड व्हाइट सा कुछ आ रहा है। अच्छा चल ठीक है यार, चलो सर आगे बढ़ते हैं। आप हाँ, अगला टॉपिक ये क्लियर है बेटा सबको? वर्षा क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। बोर्ड क्लियर कर दूं? सर एक मिनट, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके सर। वर्षा सड़क ठीक हो गई? हाँ सर। अच्छा तो मतलब नेक्स्ट क्लास में तो हो गया? हाँ सर, मंडे को। चलो सर कल का टेस्ट दे के आती हूँ परसों। परसों का टेस्ट दे के मतलब? सर कल टेस्ट है ना सुबह 8 बजे। किसका टेस्ट है कल? बुक्की सर के मैच का। अच्छा सुबह नाइट सूट में जाना पड़ेगा क्लास। वैसे आज भी तो ट्रैक सूट में ही आएगी। सर आपने देखा था? ना ना मुझे थोड़ी पता लगता है कुछ। नहीं सर मैंने पूछा था।
क्या पूछा था? नहीं, क्या आपने ट्रैक सूट में देखा था क्या? अरे मैं नाइट सूट की बात कर रही थी सर, नाइट सूट में उठ के आना पड़ेगा ना सर। नहीं नहीं क्यों, जल्दी उठाकर भाई नहा के आना आराम से प्रॉपरली। अरे सुबह सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है सर घर से, तब जाके आधे घंटे में पहुंचते हैं। तो 8 बजे ना टेस्ट? तो हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, कर लो मेहनत, यही देना है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। अच्छा देखो, इसमें भी हम सबसे पहले निकालेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है? ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा मान लो कि ये आपके पास रिंग है, यहां पर ये आपका एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग ऐसे पास कर रहा है। लेट द मास ऑफ रिंग इज एम, लेट the length of ring is 2πr, r ring का radius। अच्छा हमने यहाँ पर length क्यों ली? length इसलिए ली बेटा कि mass किस पर distributed होगा? ring का length पर distributed होगा, है ना? rod के केस में भी mass किस पर distributed था? length पर distributed था। और क्योंकि हम length मान रहे थे तो हमने माना था वहां पर समीर कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है? यस सर। अगर हम उसका एरिया सिग्निफिकेंट मान लेते तो फिर मैं कहता कि वो ऐसे भी रोटेट कर रहा होगा अबाउट दिस एक्सिस, तो फिर हमें उसको सिलेंडर कंसिडर करना पड़ता, और सिलेंडर फिर दो तरह का, या तो हॉलो या फिर सॉलिड। तो हॉलो और सॉलिड सिलेंडर के केसेस बाद की बात, अभी हाल फिलहाल। अच्छा एक और बात बता दूं, ये मैं डेरिवेशंस आपको करवा तो रहा हूं, बट दीज डेरिवेशंस आर नॉट इन योर सीबीएसई कोर्स। बट पहले वाला केस अगर आपको याद हो तो आप बाकी सारे के सारे केसेस बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, और अगर पहले वाला केस आपको याद ना हो तो फिर बनते नहीं है। तो डेरिवेशन करने से हमें डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट याद रह जाता है, अगर आप इसको वैसे क्रैम करने लगोगे तो फिर याद नहीं होंगे, ठीक है? तो एक केस याद कर लो, उसके बाद वाले तो आपने सिर्फ थ्योरम लगा के बनाने हैं। अब इसमें देखना मैं 4 केसेस बनाऊंगा अलग अलग। पहला तो यही है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है? लेट द मास ऑफ द रिंग इज एम, लेट द लेंथ ऑफ द रिंग इज 2πr, ठीक है? अगर मैं यहां पर मास पर यूनिट लेंथ की बात करूं तो एम के जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2πr meters, ठीक है? तो 1 मीटर किसके बराबर हो गया? m by 2πr kg के बराबर हुआ। मैंने यहां एक छोटा सा लेंथ सैंपल ले लिया और इस लेंथ को हमने मान लिया dx, ठीक है? तो इस dx का, इस छोटे से सैंपल का अपना कुछ मास होगा dm, तो अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? m by 2πr into dx, this is dm of small sample, ठीक है? यानी mass of small sample, ठीक बात? Yes sir। तो moment of inertia क्या होता है? Integral of dm into x square, ठीक है? अब यहाँ पर x किसके बराबर है आपका? R के बराबर है। तो बेटा दिस विल बी डीएम की वैल्यू m अपॉन 2πr,
इंटू आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां से एम अपॉन टू पाई आर इंटू आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया डी एक्स। डी एक्स की लिमिट क्या हो सकती है, सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग जीरो से लेके टू पाई आर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एम आर स्क्वायर अपॉन टू पाई आर इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू इट्स सेंटर इज एम आर स्क्वायर। ठीक है? यस सर। अब इसके केसेस देखेंगे, देखो जरा। पहला, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी ये रिंग, ये उसका परपेंडिकुलर एक्सिस और ये उसका पैरेलल एक्सिस। तो अगर मैं इसको मान लूं बेटा x x डैश और इसको मान ले y y डैश, तो i x x डैश सॉरी y y निकालना था, i y y डैश इज इक्वल टू i x x डैश प्लस m इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और डिस्टेंस किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर, तो एम आर स्क्वायर। ये एम आर स्क्वायर ऑलरेडी था प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो गया टू टाइम्स ऑफ एम आर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है सर, ये पैरेलल थ्योरम के हिसाब से था ना? हाँ जी बेटा, बिल्कुल पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखते ही समझ में आ जाता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ठीक है? ठीक है सर। नेक्स्ट है अबाउट वन ऑफ द डायमीटर्स। अब वन ऑफ द डायमीटर्स की अगर हम बात करें तो देखो ये आपकी रिंग, इसके दो मैंने एक्सट्रीमली ऑपोजिट डायमीटर्स कंसिडर कर लिए, एक डायमीटर ये एक डायमीटर ये, लेकिन इसके परपेंडिकुलर एक्सिस एक कैसे बाहर की तरफ आ रहा होगा जो कि इसके सेंटर से पास करेगा, है ना बेटा? ए एक्सिस हाइपोथेटिकली यू कैन से दैट के परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड द बोर्ड जा रहा है, एंड अबाउट दैट एक्सिस ओनली, अबाउट दैट एक्सिस ओनली, जैसे कि ये रिंग थी और इस रिंग के अबाउट ये ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रहा है, तो इस रिंग को अगर आप ऐसे रोटेट करा रहे हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एम आर स्क्वायर, है ना? यस सर। तो यहां हम यूज करेंगे यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, कहती है कि अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी हो जिसके तीन डिफरेंट एक्सिस हो x, y और z, तो कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी वन एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अदर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आई वाई विल बी इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स, आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड, एंड आई जेड विल बी इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। ठीक है? यस सर। तो बेटा ये दो डायमीटर्स हुए, ये परपेंडिकुलर एक्सिस था ही, तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस से ये दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में, तो आई डायमीटर प्लस आई डायमीटर इज इक्वल टू आई परपेंडिकुलर, और आई परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है एम आर स्क्वायर, so this will be 2 times of i diameter, so i diameter is equals to half mr square. ठीक है? ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। ओके तो ठीक है, समझ में आया है कि नहीं आया है? यस सर, समझ आ गया। वर्षा क्लियर है? यस सर। संस्कृति
यस सर। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू वन ऑफ द डायमीटर्स तो कैसे करेंगे? तो इसका मतलब किसी एक डायमीटर के अबाउट एक पैरेलल एक्सिस लेना पड़ेगा ना, है ना? जी सर, ये आपके रिंग और इसके अबाउट ये एक पैरेलल एक्सिस ले लिया, ये आपका डायमीटर था। यस सर। तो अब हमने क्या करा, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू वन ऑफ दी डायमीटर्स, तो आई पैरेलल इज इक्वल टू एनी पैरेलल एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ, I diameter plus m r square, ये डिस्टेंस r होगा सेंटर से, होगा ना? हाँ जी सर होगा। ठीक है, तो अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा I parallel is equal to half mr square plus mr square, यानि कि 3 by 2 mr square, ठीक है? Yes sir। तो अब हमारे पास टोटल कितने केसेस हो गए? सिर्फ रिंग के 4 हो गए। हो गए ना बेटा, ये जनरल के, उसके बाद दूसरा तीसरा और फिर ये चौथा, तो 4 केसेस हमारे पास हो जाते हैं इसके रिंग के। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, एक बार इसको देखना है तो देख लो, पढ़ना है तो पढ़ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। तो हर एक्सिस पे एक बार रोटेशन कैसे होगी आप बता सकते हो? पैरेलल एक्सिस के अबाउट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। ये कॉइल है, ठीक है, ये एक रिंग लेता हूँ, ठीक है, इसको एक रिंग कंसिडर करते हैं, ठीक है? इनिशियली ये ऐसे रोटेट कर रहा था अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है? यस सर। यस सर। फिर हमने कहा इस वाले एक्सिस के पैरेलल आ गया ये वाला एक्सिस, तो अब ये ऐसे रोटेट कर रहा था, ठीक है? मतलब उसके बाहर घूम रहा था। हाँ, इस एक्सिस के अराउंड ये ऐसे घूमता है, ठीक है? ओके सर। तो ऑब्वियसली जब ये ऐसे घूम रहा है तो इसका रोटेशन अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट भी तो हो रहा है ना, देखो। यस सर। फिक्स तो है नहीं, ऐसे रोटेट कर रहा है ना ये, है ना? तो इसके अबाउट जब ये रोटेट कर रहा था तो ऐसे रोटेट कर रहा था ऐसे, है ना? जब ये ऐसे रोटेट कर रहा था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर, लेकिन जब ये ऐसे रोटेट करने लगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, यानी 2 mr², ठीक है? यस सर। फिर जब हमने कहा वन ऑफ द डायमीटर्स, तो वन ऑफ द डायमीटर्स मीन्स ऐसे रोटेट करने लगा, ठीक है?
या ऐसे करे, तो एक ही बात है, चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, ठीक है, दोनों में सेम ही होगा। देखो ना, चाहे तो वो ऐसे करे चाहे वो ऐसे करे, बात एक ही है, ठीक। करना तो उसने डायमीटर के अबाउट किया, तो इसका रिलेशन आ गया यहाँ पर हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग रही थी। लास्ट केस के अंदर वो ऐसे तो कर रहा है रोटेट, लेकिन साथ ही साथ ऐसे रोटेट करते हुए अपने पैरेलल एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर, यस सर। तो इस केस में दिस विल बी 3/2 mR², ठीक है सर। तो यहां से ये चारों केसेस क्लियर है, दो रॉड के और चार आपके रिंग के। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि कितने आपके किसी एक ऑब्जेक्ट के गिवन केसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास चार केसेस अलग अलग बन सकते हैं। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। अब डिस्क के लिए क्या करेंगे, अब यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अभी तक दोनों ही केसेस में चाहे हमने रिंग किया चाहे रॉड, मास लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब मास किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस एरिया पर, ठीक है। कैसे देखना जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, पहला केस अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, देखो जरा, ये आपके पास एक डिस्क लेट से कि इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रही है, ठीक है। यस सर। अब डिस्क बीच में से हॉलो तो होगी नहीं, ठीक है, इट मींस कि यहां पर मास इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हमने बोला लेट द मास ऑफ डिस्क इज एम, लेट द surface area of disk is pi r square, ठीक है, surface area pi r square ही होगा इसका। yes sir, yes sir, ठीक है। तो m kg किसके ऊपर distributed था, pi r square meter square पे distributed था। तो 1 meter square will be equal to m upon pi r square kg, यही होगा ना। Yes sir. लेकिन अगर बेटा मैं यहां पर इस डिस्क का एक छोटा सा सैंपल कंसिडर कर लू, हम ये कह सकते हैं कि अगर इस रिंग के अंदर मैं एक और कंसेंट्रिक रिंग डाल दू जो कि इससे छोटी हो, जस्ट सरफेस को टच कर रही हो, और एक छोटी रिंग इसके अंदर डालूं, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, एक डिस्क बन जाएगा। तो देयर विल बी एन नंबर ऑफ स्मॉल रिंग्स व्हिच वी कैन रिसाइड इनटू द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रिंग, है ना। यस सर। तो हम ये बात कह सकते हैं कि एक जो डिस्क होती है वो एन नंबर ऑफ स्मॉल रिंग्स से मिलकर बनी हुई होती है।
अब इस रिंग को ध्यान से देखें तो इस रिंग की अपनी एक थिकनेस है ना जी सर। मान लिया कि एक रिंग मैंने यहां से एक रिंग ड्रॉ करी एंड दैट रिंग इज ऑफ दिस शेप, तो इसका अपना एक सर्कमफ्रेंस होगा और साथ ही साथ इसकी थिकनेस होगी, तो ये मुझे क्या दे देगा, इस रिंग का सरफेस एरिया दे देगा। यस सर। सर्कमफ्रेंस को अगर मैं थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा ना। यस सर। इन अदर वर्ड्स हम ऐसा कह सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ बीच में से कट करके स्ट्रेच कर दूं देन दिस विल बी अ लाइन, और वो लाइन कैसी होगी, एक रेक्टेंगुलर शेप होगी, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मुझे एक सरफेस एरिया दे देगा। यस सर। तो बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। मान लिया कि मैंने यहां पर एक छोटा सा रिंग कंसिडर करा और उस रिंग की जो थिकनेस है वो कितनी है dx, और इसका जो रेडियस है वो है x, जबकि रिंग का एक्चुअल रेडियस है r। ठीक है बेटा। यस सर। अब जब मैं इस रिंग को ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है, तो मुझे सिर्फ इस रिंग का मास चाहिए, तो इस रिंग के मास के लिए मैं इसके सरफेस एरिया से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2πx into dx। कर सकते हैं? यस सर। तो इस सरफेस एरिया का मास इतना होना चाहिए ना, तो दिस विल बी इक्वल टू dm। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm की वैल्यू कितनी बेटा, dm की वैल्यू हो गई m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2πx dx इंटीग्रल इंटू एक्स स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2m बाय आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया, एक्स क्यूब dx। ठीक है? यस सर। अब इस एक्स क्यूब dx को ध्यान से देखना, ऐसे ऐसी कितनी रिंग्स हो सकती हैं, एन नंबर ऑफ रिंग्स, लेकिन कहां से कहां तक, x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू r तक। तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू जीरो से लेके x की वैल्यू r तक। तो आपका रिलेशन बनेगा 2m by r square into x की पावर 4 by 4 from x equal to 0 to x equal to r। ठीक है? Yes sir। So I will be equal to 2m by r square into r to the power 4 by 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, r square से करके 2 रह गया, तो mr square by 2, so I is equal to mr square by 2 is the general moment of inertia of a ring about an axis which is passing perpendicular to the surface of the disk, ठीक है? Clear sir। तो कॉन्सेप्ट क्या था इसके अंदर, कॉन्सेप्ट ये था कि हमने एक डिस्क को एन नंबर ऑफ रिंग्स में पहले डिवाइड किया और फिर एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और उसको इंटीग्रेट करके होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। ठीक है? ठीक है बेटा। यस सर। अब केस नंबर टू, About an axis parallel to perpendicular axis, यही वो disk, ये आपका perpendicular axis, ये आपका parallel axis, so IYY dash is equal to IXX dash प्लस एम इंटू डिस्टेंस कितना, रेडियस के बराबर आर स्क्वायर, सो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज 3/2 एम आर स्क्वायर।
ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट अबाउट एन एक्सिस, अबाउट वन ऑफ दी डायमीटर, फिर से डिस्क, डिस्क के दो डायमीटर्स, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर प्लेन को, ठीक है? तो यहां पर आई परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आई डायमीटर प्लस आई डायमीटर इज इक्वल टू आई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आंसर क्या था? एम आर स्क्वायर बाय टू, ये कितना हो जाएगा? टू आई डी, तो आई डी इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय फोर। चौथा केस, अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू वन ऑफ द डायमीटर्स। अब वन ऑफ द डायमीटर्स में फिर से देखो, ये आपकी डिस्क, ये डायमीटर, ये पैरेलल एक्सिस, तो इसके अबाउट तो हमें पता था आई पैरेलल हो जाएगा वन बाय फोर एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर यानी फाइव बाय फोर एम आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है सर, मूवमेंट्स इसकी वैसी हैं जैसी रिंग की थी? बिल्कुल वैसी ही, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, बस आपको ये मानना है कि रिंग हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है बीच में से। ठीक है सर। जैसे कोई भी एक प्लेट हो सकती है घर में, ठीक है, उसको आपने फिर वैसे ही रोटेट कराना है। जैसे ये एक डिस्क है, ठीक, जब ये अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो ऐसे रोटेट करेगी ना, ठीक है? यस सर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हाफ एम आर स्क्वायर, ये ऐसे रोटेट कर रही थी, फिर ये पैरेलल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगी, ठीक है? तो एम आर स्क्वायर प्लस एम आर, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर कितना हो गया? थ्री बाई टू एम आर स्क्वायर, ठीक है? ये रहा। Yes, sir. फिर वन ऑफ द डायमीटर्स ऐसे करने लगा या ऐसे करने लगा, ठीक है? Yes, sir. तो उस केस में कितना आ गया? एम आर स्क्वायर बाय फोर, ठीक। और नेक्स्ट केस में जब ये ऐसे कर रहा था तो ये इस वाले पैरेलल एक्सिस के अबाउट भी ऐसे ही करने लगा, ठीक है? यस सर। तो रोटेशंस एग्जैक्टली द सेम जो कि रिंग वाले रोटेशन थे, बट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज में बहुत डिफरेंस है। तो आपके लिए इतने सारे अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शियाज याद करना मुश्किल है, इसीलिए आपको मेजर मेजर तीन चीजों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकालने सिखा दिए हैं, रिंग, रॉड और डिस्क। तो याद रखेंगे और इससे आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है? ठीक है सर। मंडे को टेस्ट, वर्क एनर्जी एंड पावर टेस्ट भेज दूंगा मैं, ठीक है? ओके सर। और बाकी लोगों को तो आके देना है। स्पेशली नाम बोल देना मेरा। नहीं, अनुभव भी तो है। अच्छा सर। हाँ चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा।